कालाडूंगी में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने इस अभियान में लगभग 22 ग्राम स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कालाडूंगी थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस ने तस्करों की धरपकड़ में जुटी है। थानाध्यक्ष रावत ने बताया कि आरोपियों के पास से पुलिस ने 22 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। साथ ही मामले को लेकर आरोपियों को जेल भेजा गया। कालाडूंगी से मुकेश चिम्बाल की रिपोर्ट। 2 दिन में हम लोगों ने 3 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। टोटल करीब 21-22 ग्राम अभी स्मैक बरामद कर लिए 3 लोगों से, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक सारे नशेड़ी मतलब स्मैक बेचने वाले या नशेड़ी जो भी औलाद के अंदर ना हो तब तक अभियान जारी रहेगा।